नमस्कार, आज की क्लास में आपका स्वागत है। और आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है नंबर सिस्टम से रिलेटेड। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 2963 2963 से घटाने पर, मतलब वो संख्या बतानी है जिसको 2963 से घटाने पर परिणामी संख्या को जब 9, 10 और 15 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल प्राप्त हो। वट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2963 सो दैट द रिजल्टिंग व्हेन डिवाइडेड बाय 9, 10 एंड 15 द रिमाइंडर इन ईच केस इज 5। क्वेश्चन को जितनी बार पढ़ेंगे उतना बेटर रहेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी। देखिए, इस क्वेश्चन में अगर मैं सीधा सीधा पहले समझा दूँ कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जब मैं 2963 में से कोई नंबर माइनस करूँ, ठीक है, और माइनस करने के बाद जो संख्या आए और उसको जब मैं 9 से या फिर 10 से या फिर 15 से भाग करूं, तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या आना चाहिए, जो आपका रिमाइंडर है वो क्या आना चाहिए, आपका 5 आना चाहिए। आपको वो नंबर बताना है। देखो, एक अप्रोच तो ये है कि आप ऑप्शन से उठा उठा के वैल्यू निकालें, 2963 में से 82 माइनस करें, फिर उसको 9 से 10 से और 15 से डिवाइड करके देखें भाई किससे आंसर क्या आ रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है, आपका 5 आ रहा है, ठीक है। वो उस समय ये अप्रोच बढ़िया रहेगी जब पहला ही ऑप्शन क्या होगा, आंसर होगा। लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट से अगर हम इसको करें तो क्या है, आपने इस क्वेश्चन में कैसे करना है, जिन भी संख्याओं से भाग करने को कहा जाए आपको, आपने उनका ले लेना है एलसीएम। तो हम एलसीएम ले लेंगे 9, 10 और 15 का। मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको एलसीएम लेना आता होगा, और इसका जो एलसीएम आएगा तो मैं बता भी देता हूँ एलसीएम कैसे निकालते हैं। जो बड़ी संख्या है आप उसको मान लेंगे एलसीएम, तो 15 ब्रेक कर देंगे उसको प्राइम फैक्टराइजेशन, 5 या 15। 10 बनाने के लिए इसमें 2 और चाहिए और 9 बनाने के लिए 3 और चाहिए, तो 5 या 15, 15 दूनी 30 और 30 या 90, जो इसका एलसीएम आ गया वो आ गया 90। अब जो एलसीएम आएगा आपने उससे 2963 को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो 2963 को हम 90 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमें पता है 9 तिया 27, 270, 6 9 में से 7 गए 2, 3 और 9 दूनी 18, 180, तो ये आ गया 3, 16 में से 83। अब जो ये रिमाइंडर आया, क्या आया रिमाइंडर आपका 83। जो रिमाइंडर आया उसको आपने क्या करना है, उस रिमाइंडर में से जो आपको रिमाइंडर चाहिए ए 5, वो क्या कर देंगे आप, माइनस कर देंगे। तो 83 में से आप 5 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपका 78, और वो जो नंबर है वो कौन सा नंबर है आपका, 78। इतना आसान है। क्या करना है, इन संख्या का क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। कितना कितना आ गया 90। उस 90 से इस संख्या को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। इसका जो रिमाइंडर आएगा उसमें से जो ये रिमाइंडर चाहिए था वो क्या कर देना है, माइनस, तो वो क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है 78। और आपके लिए क्वेश्चन ये स्क्रीन पर है, आप इसे सॉल्व करके देखें, ठीक है। और मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। होप मैं कोशिश करूँगा कि कल से हम एस्टेट के जो टॉपिक हैं उनको थोड़ा स्पीड से कवर कर लें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।